राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस द डांस स्टूडियो में। मैं उत्तम सिंह, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऋतिक रोशन सर के डांस स्टेप्स। तो चलिए सीखते हैं। तो ओके गाइस, हमको सिंपल से इस तरह से खड़े हो जाना है। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को हमको इस तरह से उठा लेना है। अब इसको हमको रखना है राइट वाले पैर के ऐसे क्रॉस। अब राइट वाले पैर को हमको रखना है साइड में एंड लेफ्ट को वापस से साइड में। अब सेम यही चीज़ हमको इस साइड करना है। राइट वाले पैर को अब हम उठाएंगे ऐसे रखेंगे, इसके पीछे साइड ऐसे क्रॉस हो जाएगा, फिर लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बॉडी वेव करके करेंगे, इस तरह से बॉडी चलेगी और इसके साथ हमारा हाथ आएगा, लेफ्ट वाला हाथ आएगा। ये 1 2 3 एंड हाथ हमारे इस तरह से ओपन हो जाएंगे। इधर ये 1 2 3, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 1 2 3, ये 1 2 3। अब इसके बाद हमको पैर को इस तरह से हल्का सा बैंड कर लेना है। ठीक है, अब राइट वाला पैर हमारा जाएगा लेफ्ट के पीछे साइड और लेफ्ट वाला पैर हमारा इस तरह से हो जाएगा टर्न जे। अब वापस से हमको राइट वाले पैर को रखेंगे, लेफ्ट आ जाएगा, फिर राइट। अब इस पैर को हमको इस तरह से उठाना है, जंप करके इसके पास आना है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। इसके साथ हाथ समझ लेते हैं, तो लेफ्ट वाला हाथ हमारा ये रहेगा, राइट वाला ये, तो ये आएगा 1 2 पे आएगा, फिर ये 3 4 एंड 5। तो इसको पैर के साथ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको फिर से स्टार्टिंग से करते हैं, ऐसे खड़े हो जाना है, 1 2 3, फिर ये 1 2 3 एंड पैर बैंड, फिर ये 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से अब हमको फुटवर्क वाला स्टेप करना है। तो जैसे हम लास्ट में यहाँ पे आए थे, अब क्या करना है, हमको राइट वाले पैर को इस तरह से उठा लेना है। अब जिससे हमको किक करना है, लेफ्ट वाले पैर से हमको पीछे साइड हल्का जाना है इस तरह से। ठीक है, तो पैर हल्का क्रॉस रहेगा, ये 1। अब 2 पे क्या करना है, हमको राइट वाले पैर को लेफ्ट के पास लाएंगे एंड लेफ्ट वाला पैर इस तरह से हमारा बैंड हो जाएगा। यहाँ पे आए, ये 1। अब सेम इस साइड 2, फिर ये 3 एंड ये 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ समझ लेते हैं, हाथ इस तरह से रखना, 1 2 3 एंड 4 पे क्लैप, 1 2 3 एंड 4 क्लैप। इसको पैर के साथ करेंगे, 1 2 3 एंड 4 पे क्लैप, 1 2 3 4 एंड क्लैप। ठीक है, अब इसके बाद हमको ऐसे टर्न हो जाना लेफ्ट साइड और पैर हमारे लिए गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीख मिलती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको किसी और भी सॉन्ग में सीखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।